जय हिंद आप सभी को, स्वागत है आपका तेजस सेमेस्टर में। तो आज के क्लास में हम लोग एडवेंचर एक्टिविटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस सिंगल टॉपिक से टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है। इन्हीं 15 में से पाँच क्वेश्चन आपके प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये मॉडल पर आपके NCC ए बी और सी सर्वे तीनों के लिए होगा। यहाँ पे बी और सी केवल इसलिए लिखते हो क्योंकि ए सर्वे में इससे कम क्वेश्चन आते हैं, बाकी ए सर्वे में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे जनरली मैक्सिमम रहते हैं, उसका मैं अलग से भी बता दूंगा। तो ये तीनों के लिए वैसे और 2022 एग्जाम के लिए होगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ष सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स आर अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जिनको अभी वर्तमान में मॉडल पेपर चाहिए क्वेश्चन, तो इस वेबसाइट पर अपलोड कर दियो, tejasnccadmin.com आप गूगल पर सर्च करेंगे। नहीं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, सबसे ऊपर में लिंक दे रखा हूँ। इस पर सारे मॉडल पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और तेजस NCC Army ऐप और PDF दोनों आपको नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक अवेलेबल कर दूंगा। PDF आपका पेड कोर्स होगा और ऐप भी अवेलेबल कर दूंगा नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक। रोजाना हमारी क्लासेस 7:15 पे इसी टाइम पे चलेगी और ये अप्रैल तक चलेगी, ठीक है, रेगुलर अप्रैल तक। आप लोग रोजाना समय से आ जाया करेंगे, आप सारे क्वेश्चन सर अच्छे से याद करेंगे तो 100% आपका ए ग्रेड आ जाएगा। और रेगुलर हमारी डिवीजन क्लासेज होगी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल आपके 600 प्लस है, यानी 700-800 के आसपास है। इतने ही क्वेश्चन आपको NCC में पढ़ने होते हैं। आप रिवीजन नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े एडवांटेज टाइप से कुछ है, आपको आंसर याद नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। और जो लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है जोड़ी मिलाए, यानी मिलान करें मैच द फॉलोइंग। इधर फर्स्ट में ट्रैकिंग कैंप, आपको क्रॉस से नहीं मिलाना, ठीक है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है। ट्रैकिंग कैंप, तो ट्रैकिंग कैंप में पैदल चलना होता है, तो फर्स्ट के बगल में आप ई लिख देंगे। सेकंड है पर्वतारोहण, पर्वतारोहण हेतु संस्था है HMI दार्जिलिंग में, सेकंड के बगल में आप डी लिख देंगे। इस तरह से आप जोड़ी मिला बनाना होगा। नेक्स्ट है पैरासेलिंग, तो पैरासेलिंग एक जंपिंग एक्टिविटीज है, थर्ड के बगल में ए लिख देंगे। फोर्थ है RDC, तो RDC दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाता है, फोर्थ के बगल में बी लिख देंगे। फिफ्थ है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ये YEP का फुल फॉर्म होता है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, तो फिफ्थ के बगल में सी लिख देंगे। नीचे में मैंने आपको सारे आंसर भी बता दिए। तो इस तरह से आपको जोड़ी मिला है मैच द फॉलोइंग आंसर बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन, NCC में किए गए 4 साहसिक गतिविधियों के नाम लिखे, राइट द नेम ऑफ 4 एडवेंचर एक्टिविटीज अकरिंग NCC, मतलब NCC में किए जाने वाले 4 एडवेंचर एक्टिविटीज के नाम बताने हैं। इसमें होगा आपका ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग, स्लिदरिंग, पैराजंप्स, वाटर राफ्टिंग और साइकिल एंड मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन। ये सब NCC में कराई जाने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज है, तो आप सारे याद रखना, ठीक है। 8 क्वेश्चन 5-7 मार्क्स का भी पूछता है, ठीक है, तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतने पॉइंट्स में आपको आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4 स्लिदरिंग उपकरणों का नाम लिखे, 4 स्लिदरिंग उपकरणों का नाम। इसमें होगा फर्स्ट पॉइंट रोप, ग्लव्स, स्क्रू कार्बिनर, ऑटोलॉक कार्बिनर, फुल बॉडी हार्नेस, झूमर, फिगर ऑफ एट और सिंगल पुली, ये सारे स्लिदरिंग उपकरण के नाम है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रैकिंग के लिए क्या क्या सामान जरूरी है। ट्रैकिंग कैंप जाते हैं ना, तो आपको क्या क्या सामान सबसे जरूरी है ट्रैकिंग पर जाने के लिए। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट एम्बुलेंस, सेकंड वाटर कैंपर यानी ग्लास, थर्ड रूट मार्च चार्ट, वही रूट चार्ट यानी रूट मार्च चार्ट, फोर्थ पॉइंट मेगाफोन, फिफ्थ रेड फ्लैग, सिक्स्थ बैनर और सेवन्थ सिटी। ये ट्रैकिंग के लिए जरूरी सामान है, जरूरी सामान आप लिखेंगे, ठीक है, बाकी ट्रैकिंग के लिए काफ़ी सामान ले जाना होता है, ये जरूरी सामान है, नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, NCC में साहसिक गतिविधियों के उद्देश्य क्या है, मतलब NCC में एडवेंचर ट्रेनिंग देने का उद्देश्य पर्पस क्या है। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, आप सारे पॉइंट्स अच्छे से याद करेंगे, वीडियो तक लास्ट तक देखना, ठीक है, कोई भी क्लास आप लास्ट तक करेंगे। फर्स्ट, कैडेट्स में साहस तथा सहवर्ग की भावना का विकास करना। सेकंड पॉइंट, नेतृत्व के गुणों का विकास करना। थर्ड, साहसिक प्रशिक्षण के प्रति आत्मविश्वास पैदा करना। फोर्थ पॉइंट, कैडेट्स में टीम भावना का विकास करना। फिफ्थ, कैडेट्स में लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जोखिम उठाने का विकास करना। और सिक्स्थ पॉइंट,
कैडेट्स में अनुशासन की भावना का विकास करना, डिसिप्लिन उत्पन्न करना। तो ये एनसीसी में एडवेंचर ट्रेनिंग देने का साहसिक गतिविधियों के मेन उद्देश्य, मेन पर्पस है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, साइकिल यात्रा के दौरान योजना बनाते समय आप क्या उम्मीद करते हैं? साइकिल यात्रा के दौरान आप किस प्रकार से योजना बनाते हैं और क्या उम्मीद करते हैं? इसका आंसर काफी अच्छे से आपको बताया गया है, जल्दी इसका आंसर आपको परफेक्ट मिलेगा नहीं, ना ही आप खुद से लिख सकते हैं, तो आप अच्छे से याद करना। फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले रूट मार्च चार्ट बनाना कि आपको किस किस रास्ते से होकर गुजरना है, उसकी पूरी चार्ट बनाना। सेकंड, साइकिल राइडर्स को मेडिकली फिट होना चाहिए, मतलब जो भी कैडेट साइकिलिंग के लिए जाएंगे उनको मेडिकली फिट होना चाहिए। थर्ड, साइकिल और उसके स्पेयर पार्ट्स का सही कंडीशन, साइकिल पूरी तरह से अच्छे कंडीशन में होना चाहिए, उसके सारे पार्ट्स सही कंडीशन में होना चाहिए। फोर्थ, लोगों की संख्या के मुताबिक रोड पे फॉर्मेशन का ध्यान रखें, मतलब जितने कैडेट्स जा रहे हैं उसके अनुसार, जितने लोग साइकिलिंग में जा रहे हैं उसके अनुसार आपको रोड पे किस प्रकार से आप फॉर्मेशन में जाएंगे उसका ध्यान रखना। फिफ्थ, बीच में विश्राम और जलपान करने की सुविधा सुनिश्चित करें। साइकिलिंग के लिए आप जाएंगे तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पर जाना होता है, तो बीच में कहाँ पर आप रेस्ट करेंगे, कहाँ पर पानी पियेंगे, नाश्ता करेंगे, इन सब का जगह आपको पहले से सुनिश्चित यानी फिक्स करना होगा। सिक्स्थ पॉइंट, प्रशासन से लिखित रूप से अनुमति लें। आप जिस जिस रास्ते से होकर जाएंगे या फिर आप जहाँ से साइकिलिंग शुरू कर रहे हैं वहाँ के जो भी प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था है, उससे आपको लिखित रूप से अनुमति लेना होगा कि हम लोग साइकिलिंग पर जा रहे हैं, ताकि वो भी आपका सुरक्षा का ख्याल रखें। और सेवेंथ पॉइंट है, बीच रास्ते में पड़ने वाले तमाम रिसोर्सेज जैसे एनसीसी के बटालियन, एनएसएस, पुलिस स्टेशन इत्यादि को सूचित करना। आप जिन जिन रास्तों से होकर जाएंगे और उसके बीच में जहाँ भी एनसीसी बटालियन, एनएसएस ऑफिस या फिर पुलिस स्टेशन है, तो सभी जगह आपको एक लिखित रूप से लेटर देना होगा कि हम लोग इस रास्ते से इतने समय में वहाँ से गुजरने वाले, ताकि वो लोग आपकी सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखें। तो ये होगा साइकिल यात्रा के दौरान आप क्या योजना बनाते हैं, उम्मीद करते हैं, तो सारे पॉइंट्स आप अच्छे से याद करना, ठीक है, सेवन पॉइंट्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, साहसिक गतिविधियों की योजना बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए जब आप जाते हैं तो क्या क्या योजना बनाते हैं, कौन कौन सी बातें आप ध्यान में रखते हैं? इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, अभियान संबंधी जानकारी एकत्र करें। सेकंड, वित्तीय बाधाओं को हल करें, मतलब आप इससे पहले जो भी साहसिक गतिविधि के लिए, एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए गए थे, उसमें जो जो समस्या आई थी उसका निवारण करें। थर्ड पॉइंट, मार्गों व ठहरने के स्थान का चुनाव करें, बीच रास्ते में आपको जहाँ भी आप रुकेंगे तो उस स्थान का अभी से अपना फिक्स कर लें कि कहाँ पर आपको रुकना है। फोर्थ पॉइंट, कैडेट की संख्या निर्धारित करें, ये सब स्पेशल कैंप्स होती है, एडवेंचर ट्रेनिंग, पैरा जंपिंग, आईएमए, ये सब जितने भी नेशनल कैंप्स स्पेशल कैंप्स होती है, एनआईसी जो कि अभी बीएससी भी हो गया, तो उसमें सभी कैडेट्स को नहीं ले जा सकता, उसमें कुछ चुनिंदा स्पेशल कैडेट्स को ही, तो कैडेट्स की संख्या निर्धारित करें। फिफ्थ, योग्य कैडेटों का चुनाव करें, इन सब स्पेशल कैंप्स के लिए माउंटेनिंग हो गया, एडवेंचर ट्रेनिंग, तो आपका टेस्ट लिया जाता है, पहले आपका ऑप्टिकल ट्रेनिंग करके आपका पूरी तरह से टेस्ट लिया जाता है कि आप मेडिकली फिट हो, आप स्ट्रांग हो कि नहीं हो, तो योग्य कैडेटों का चुनाव करें। सिक्स्थ पॉइंट, कैडेटों के मानकों के संपर्क में रहें कि आप फिट हो या नहीं। सिक्स्थ पॉइंट, सेवेंथ, नागरिकों सैन्य अधिकारियों के संपर्क में रहें। और एट्थ पॉइंट, पूर्व अभियानों में आई समस्याओं के तर्कसंगत हल ढूंढें, वही जो पहले समस्या आई है उसका सोल्यूशन आप निकालें। तो ये साहसिक गतिविधियों की योजना बनाते समय इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, रॉक क्लाइंबिंग के लिए इस्तेमाल में आने वाले दो प्रकार के रस्सियों के बारे में लिखिए, यानी उनका नाम बताएं कि रॉक क्लाइंबिंग के लिए इस्तेमाल में कौन कौन सी दो रस्सियाँ यूज की जाती है। तो इसमें होगा डायनेमिक रोप और सेकंड स्टैटिक रोप, ये दोनों रस्सियाँ रॉक क्लाइंबिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, भूमि आधारित साहसिक क्रियाकलापों का नाम लिखिए, मतलब जमीन पर जो भी एडवेंचर एक्टिविटीज कराई जाती है उसके नाम बताने हैं। इसमें होगा फर्स्ट पॉइंट ट्रैकिंग, सेकंड माउंटेनियरिंग, थर्ड रॉक क्लाइंबिंग, फोर्थ स्कीइंग और फिफ्थ साइकिल एंड मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन, ये सब भूमि आधारित साहसिक क्रियाकलाप एडवेंचर एक्टिविटीज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन, जलीय साहसिक क्रियाकलाप कौन कौन से, मतलब जल में, वाटर में कौन कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज कराई जाती है। इसमें होगा आपका फर्स्ट पॉइंट नौकायन यानी सेलिंग, सेकंड राफ्टिंग, थर्ड स्कूबा गोताखारी गोताखोरी यानी स्कूबा डाइविंग, फोर्थ विंड सर्फिंग और फिफ्थ कायाकिंग, ये सारे
जल में यानी वाटर में की जाने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज। तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करना होगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और इन्हीं 15 में से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आकाशीय साहसिक क्रियाकलाप कौन कौन से, मतलब एयर में एयर एडवेंचर एक्टिविटीज के नाम बताने हैं। इसमें होगा आपका पैरासेलिंग, स्लिदरिंग, पैरा जंप्स, ग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून। तो ये सारे एयर में यानी आकाशीय साहसिक क्रियाकलाप है, एयर एडवेंचर एक्टिविटीज है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ताकि आपका कभी भी गलत ना हो, मिस्टेक ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में स्थित है। सेकंड, ट्रैकिंग कैंप में क्या करना होता है, ट्रैकिंग में पैदल चलना होता है। थर्ड क्वेश्चन, पैरा जंपिंग की सुविधा किस शहर में है, तो पैरा जंपिंग की सुविधा आगरा शहर में, जब आप NCC ज्वाइन कर लेंगे या फिर जो लोग आप लोग NCC कैडेट हो, सभी तो NCC कैडेट हैं, तो पैरा जंपिंग की मुश्किल से आपकी साल में या दो साल तीन साल पे एक सीटें आती है बटालियन में, तो आपको आगरा में ही ले जाता है, पैरा जंपिंग आगरा में कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4th, स्लिदरिंग में कैडेट्स को खाली स्थान के द्वारा सरकने का अभ्यास कराया जाता है, तो स्लिदरिंग में कैडेट्स को रस्सी के द्वारा सरकने का अभ्यास कराया जाता है। 5th क्वेश्चन, रॉक क्लाइंबिंग स्लिदरिंग एक खाली स्थान प्रशिक्षण है, ध्यान देंगे इसमें दो एक्टिविटीज है, रॉक क्लाइंबिंग और स्लिदरिंग एक खाली स्थान प्रशिक्षण है, तो ये एक एरियल प्रशिक्षण है, इसमें रस्सी के द्वारा एक्टिविटीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पर्वतारोहण हेतु संस्थाएं कौन कौन सी है, मतलब माउंटेनिंग हेतु कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इसके लिए तीन संस्थाएं हैं, तीन, HMI हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में है, NMI उत्तरकाशी ये उत्तराखंड में है, और थर्ड है MAS मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में। ये तीन पर्वतारोहण हेतु संस्थाएं, तो आप तीनों अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, साहसिक अभियानों के लिए स्थान का चुनाव कैसे करें, जब आप एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो आप किस प्रकार के प्लेस का आपको चुनाव करना होगा, इसका आंसर होगा साहसिक अभियानों के लिए स्थान का चुनाव करने में निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। फर्स्ट पॉइंट, स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हो, मतलब नेचुरल हो। सेकंड, स्थान अपने राज्य से बाहर हो, जब आप एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने ही स्टेट में ले जाएगा तो आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए किसी दूसरे अच्छे स्टेट्स में जहाँ पे नेचुरल प्लेस हो वहाँ पे ले जाता है। थर्ड पॉइंट, स्थान एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व हो, स्थान का ऐतिहासिक हो धार्मिक महत्व हो, मतलब वहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल प्लेस हो या फिर रिलीजियस प्लेस हो। फोर्थ पॉइंट, स्थान पर कोई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक हो। फिफ्थ, ग्रामीण अथवा दूरदराज क्षेत्र हो, ग्रामीण का मतलब यहाँ पे यह है ग्रामीण इसलिए ताकि आप फ्रेश वातावरण में रहे, आप एडवेंचर के लिए जा रहे हो और आप भीड़भाड़ वाले जगह पर जाएंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा आपको, आप नेचर का मजा नहीं ले पाएंगे, तो ग्रामीण अथवा दूरदराज क्षेत्र हो। और सिक्स्थ पॉइंट, स्थान समान रूप से कैडेट्स के लिए सुरक्षित हो, और सबसे खास बात है कि वह पूरी तरह से सेफ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को ले जाया जाता है, गर्ल्स बॉयज दोनों लोग जाते हैं, तो स्थान समान रूप से कैडेट्स के लिए सुरक्षित हो यानी सेफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एडवेंचर कोर्स क्या है, व्हाट इज एडवेंचर कोर्स, इसका आंसर होगा एडवेंचर कोर्स में आपको पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, बंजी कूद, हेली स्कीइंग, झरना राइफलिंग, साइकिल ट्रेनिंग, स्नो कर्लिंग, स्काई डाइविंग आदि कोर्स के बारे में संपूर्ण प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग दिया जाता है। इसे आप अन्य कोर्स के साथ भी कर सकते हैं या अपनी गर्मियों की छुट्टी में भी कर सकते हैं, ये एडवेंचर कोर्स का होगा कि एडवेंचर कोर्स ये चीज़ होता है। तो इस टॉपिक से टोटल आपके 15 क्वेश्चन ही थे, आप सारे अच्छे से याद करेंगे, और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, रोजाना आपकी क्लास इवनिंग टाइम में 7:15 पर ही चलेगी, ठीक है, 7:15 पर ही, और ये आपकी अप्रैल तक होगी। और मैंने आपको बता दिया PDF और ऐप नवंबर क्लास या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक अवेलेबल करा दूंगा। कल आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, वो भी बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो चलिए इसी तरह से हम लोग रेगुलर क्लास करते रहेंगे, और बाकी जो भी जानकारी होगी मैं आपको अपलोड करते तो वीडियो अपलोड कर देता हूँ, और अभी सारे मॉडल पेपर्स टॉपिक वाइज अपलोड कर देने के बाद हमारी डिवीजन क्लासेस शुरू होगी, ठीक है, तब स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन शो कीजिएगा, आप लोग अच्छे से याद करते रहे, ठीक, रिवीजन क्लासेस में आपको आंसर बताना होता है, मैं क्वेश्चन करता हूँ फिर आपको आंसर बताना होता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।